परंतु बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, चित्रकूट पार कर लिया है, कौशाम्बी पहुंचा है और काफिला और कौशाम्बी से प्रयागराज की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, पूर्वांचल में यानी कि वो काफिला दाखिल हो चुका है और यहाँ भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सबसे पहले अतीक पहुंचेगा और उसके बाद अशरफ पहुंचेगा। अशरफ को पहुंचने में और 2 घंटे लग सकते हैं लेकिन अतीक 1 घंटे के अंदर अंदर यहाँ जरूर पहुंच जाएगा। 40 साल में कितने पन्ने वो अपराध के लिख चुका था, लेकिन हर एक पन्ने के बाद में किस तरीके से वो उसको कोई सजा नहीं हुई, लेकिन ये पहला ऐसा मामला होगा जिसमें उसको सजा होने जा रही है। उमेश पाल जी की माता जी हमारे साथ हैं और उमेश पाल, अपहरण जो करीब 16-17 साल पहले की घटना है उसमें फैसले की घड़ी आ गई है। बाहुबली अतीक अहमद को साबरमती जेल से लाया जा रहा है, अशरफ को बरेली जेल से लाया जा रहा है। उनकी मां शांति पाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, अभी भी उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मैं देख पा रहा हूं कि बेटे का उन्हें गम है, लेकिन कोर्ट से फैसले की क्या उम्मीद है, उनसे बातचीत करेंगे। कोर्ट से फैसला आ रहा है, अतीक अहमद आरोपी है और अशरफ आरोपी है और इनको लाया जा रहा है, क्या उम्मीद करती हैं, किस तरह से न्याय की उम्मीद है माता जी आपको? देखिए बेटा, बेटा तो मेरा जीत चुका था मुकदमा, अब ये आ रहा है, अदालत जो भी सजा सुनाए, चाहे सजा हो चाहे आजीवन कारावास हो, लेकिन इसके लिए जेल जो है बिल्कुल घर ऐसा है, हमें सजा और जेल की कोई भरोसा नहीं। जज जो भी फैसला देगा सब सुनेंगे, हमें भी मंजूर है। उमेश पाल की माता जी को आप सुन रहे थे, वो कह रही है कि जेल और सजा पे हमको भरोसा इसलिए नहीं क्योंकि ये जेल में बैठकर तो साजिशें रचता रहा है, जेल में कारोबारी को ले आता है, वहां पर उसको टॉर्चर करता है, तो जेल इसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, सजा उसको क्या मिलती है और कैसे उस पर काम होता है ये बड़ी बात है। बहरहाल मानव हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं और वो काफिले का पीछा कर रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मानव कहां तक पहुंचे, एग्जैक्ट लोकेशन बताएं और अगर एग्जैक्ट टाइम आप देख पा रहे हैं मैप के जरिए किसी चीज के जरिए तो जरा वो भी बताएं। हाँ बिल्कुल सपना, मैं एग्जैक्ट लोकेशन भी बताऊंगा दर्शकों को और एग्जैक्ट टाइम कितना लगे ये भी बताऊंगा, लेकिन मैं अभी शांति देवी को सुन रहा था। देखिए शांति देवी ने करीब 16-17 साल इंतजार किया है और उस केस में इंतजार फैसला आना है जो अपहरण का केस था, लेकिन उनके बेटे की हत्या कर दी गई पिछले महीने। और तो सोचिए कि एक ऐसा परिवार जो लगातार सालों से इंतजार कर रहा है कि न्याय मिले, तो तकरीबन 68 किलोमीटर का समय बचा है और 1 घंटा 15 मिनट और ये नैनीताल का रास्ता हम कवर कर रहे हैं इस समय। और आप आगे देखेंगे तो आपको पूरा काफिला दिखाई देगा मीडिया और पुलिस के उन वाहनों का जिसमें अतीक अहमद इस समय बैठा हुआ है। और एक दिलचस्प बात मैं ये बताऊंगा, राजूपाल के जब मर्डर हुआ था 2005 में तो राजूपाल ने हराया था अशरफ को और अशरफ की हार का बदला लेने के लिए ये हत्या की गई थी राजूपाल की, तो पहला मर्डर केस ये और उसका गवाह थे उमेश पाल। लेकिन उमेश पाल पर लगातार हमले किए गए, उनका अपहरण किया गया और अंत में करीब 15-16 साल के बाद पिछले महीने उनकी हत्या कर दी गई। तो सोचिए कि बार बार अतीक और उसके गुर्गे उमेश पाल को खत्म करना चाहते थे और वो अपने मंसूबों में कामयाब भी रहे, ऐसे में परिवार का दर्द अब ये कई गुना और ज्यादा बढ़ गया। अपना बेटा खो दिया, सालों तक बेटा घर में कैद रहता था, सिर्फ कोर्ट कचहरी जाता था जब जरूरत पड़ती थी। अब परिवार ये भी मांग कर रहा है कि अगर अतीक का खात्मा नहीं होता है तो आने वाले समय में उमेश पाल के जो 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं वो उनको भी नहीं छोड़ेगा। शांति देवी को जब हम सुबह सुन रहे थे तो वो दावा कर रही थी कि अतीक का खात्मा बहुत जरूरी है, इसको उम्र कैद होना या कुछ ऐसा हो जिससे कि आगे भविष्य में उमेश पाल का परिवार एक तरीके से डर के साए में ना अपना जीवन जिए। और वो उनके जो आंसू हैं शांति देवी के, उमेश पाल की मां के, वो ये साफ बयां करते हैं। और लेकिन अतीक अहमद चाहे कितना बड़ा बाहुबली हो, बीती रात उसकी पूरी तरह से डर में बीती है और आज की रात भी कुछ ऐसी बीतने वाली है।